खारघर सेक्टर 30, 34 आणि 35 सह खारघर परिसरात सिडकोच्या वतीने होणाऱ्या अपुऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे येथील नागरिकांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला होता. या मोर्चास खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, ओव्हापेठ ग्रामपंचायत सदस्य साजिद पटेल, प्रभाकर जोशी, कुरगुडे मॅडम, सुभेर मॅडम, सुभेदार केसकर, इर्शाद शेख यांच्यासह विविध सोसायट्यांचे पदाधिकारी, नागरिक, सिडको अधिकारी अधीक्षक अभियंता प्रदीप डहाके, कार्यकारी अभियंता बोकडे आदींसह अनेक नागरिक उपस्थित होते. येत्या काही दिवसात पाण्याची नेमकी काय अडचण आहे ती पाहून ती अडचण दूर करू असे सिडकोच्या वतीने आश्वासन देण्यात आले. मात्र येत्या 15 दिवसात जर नागरिकांना होणारा हा त्रास दूर झाला नाही तर सिडकोच्या कार्यालयाला टाळे लावू, त्याशिवाय सिडकोला जाग येणार नाही व त्यांचे डोळे उघडणार नाहीत अशी संतप्त प्रतिक्रिया आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या ठिकाणी व्यक्त केली. आज और कल में ये लोग इनके साथ में बैठ के पर सोसाइटी आपका पर डेली रिक्वायरमेंट इतना लीटर्स और आज आने वाला पानी इतना लीटर्स, बाकी बचा हुआ पानी या तो पाइपलाइन से बढ़ाओ या टैंकर से आप आपके कॉस्ट के ऊपर दे दो, ये हमारी सिडकों के पास डिमांड है. अगर इसको पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले 15 दिन में ये गेट और ये सामने वाला गेट पड़ेगा. ये लॉक लगाकर ही हमको, मतलब क्या है कि पानी मिलकर ही चैन आने वाला है, लॉक लगाने से हमको चैन नहीं आने वाला है, लेकिन ये लॉक लगाने पर ही सिडकों की आगे अगर खुलेंगी तो अभी हमको वही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवाय सिडकों को अनफॉर्चुनेटली कोई और भाषा समझती नहीं है. तो ये भाषा सिडकों को हम बता के जा रहे हैं, हम लेटर देंगे उनको, आज उनको वही चीज बताई, लेटर भी देंगे, रिटर्न कंप्लेंट उनको पास करेंगे, जो अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्टेप लेना है ले ले, लेकिन हमारे पास उसके सिवा और कोई चारा नहीं. आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जिस तरीके से आपको ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम हुआ, आप एक्टिव हुए हैं, इसी तरीके से एक्टिवली इस इशू का परसुएशन करें और ये परसुएशन करके अपने हक का पानी, अपने हक की बाकी सारी सुविधाएँ हमने उनको डिमांड किया हुआ है. हम कॉरपोरेशन की डिमांड करें कि कॉरपोरेशन होना चाहिए, लेकिन कॉरपोरेशन होगा तब तक हम रुक नहीं सकते, अपने हाथ पे हाथ पकड़ रुक नहीं सकते, तब तक सिडको का जिम्मेवारी है, ये सिडको ने देना चाहिए. और अगर सिडको नहीं देगा सीधी उंगली से, अगर वो नहीं देंगे तो हमको टेढ़ा करना पड़ेगा. आप लोगों ने आज यहाँ पे जो स्टेप उठाया, शायद आने वाले समय में बार बार ये स्टेप उठाना पड़ेगा, पर जब तक ये हम नहीं उठाएंगे तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी. इसके लिए आप सभी लोग जागरूक रहिए.